ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। सो अज आप इतने जुड़े हाँ पंजाब बारी मेन्स जो तो रीजनिंग सैक्शन है वह आप मॉक टेस्ट 5 डिस्कशन कर लगे हाँ। तो ये देख लेना कि सा फर्स्ट क्वेश्चन की रहा है, तो फटाफट डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन उत्ते ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सही आंसर की है एंड एक्सप्लेनेशन की हैगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हैगा सी डाटा सफिशियंसी विचों, जिद एक क्वेश्चन पुट किया गया और तीन सेंटेंसिस डाटा दिता है, तो फाइंड आउट करना कि हेल्प के आंसर निकल के आ सकता है। जी पर्टिकुलर ऑप्शन है कि 1 और 2 मिला के या 2 या 3 मिला के कले 2 के कले 3 के चूज करके दसना है कि आंसर आ सकता है तुहाडा। तो देख लेने क्वेश्चन सानू की पूछे, कहिंदा है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वाई विद रिस्पैक्ट टू पॉइंट आर। ठीक है, तो हम अगर आप फर्स्ट वाला जो इतने स्टेटमेंट है इन देखिए, तो इतने तुम पॉइंट वाई के बारे दिता है, एन के बारे दिता है, डबल्यू बारे दिता है, टी बारे दिता है, एन बारे दिता है ना। इस पूरे सेंटेंस में आर के रिगार्डिंग तो कोई इनफॉर्मेशन है ही नहीं, तो दैट मीनस कले फर्स्ट तो मैं दस नहीं सकती। ठीक है, सैकेंड वेखिए तो आर एस एन डबल्यू और आर के बारे है, तो ये वाई के बारे तुम्हें नहीं दिता, तो कले सैकेंड चो भी नहीं आएगा है ना। दैन थर्ड विच वेख लीए तो ए वाई ए बी बी और डबल्यू बारे दिता है, तो वह फिर आर के बारे नहीं दिता, तो मतलब कले कले तो किसी चो भी नहीं आ सकता। हम कंबाइन करके देख लें, अगर मैं फर्स्ट विच वेखा वो कहें पॉइंट वाई इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, तो देखो एन तो 20 मीटर नॉर्थ जोड़ा है वह की है पॉइंट वाई है। ठीक है, उस बार कहें पॉइंट डबल्यू इज वैसट ऑफ पॉइंट टी विच इज साउथ ऑफ पॉइंट एन। हुण टी जिहड़ा पॉइंट हैगा वह एन तो साउथ की तरफ हैगा, तो दैट मीनस सपोज करो कि यह वाई सी 20 मीटर थले एन है, तो वो साउथ के वल कौन हैगा टी हैगा, एंड उन्हें बोलिया डबल्यू इज वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, तो दैट मीनस डबल्यू समवेयर इतने हैगा। ठीक है, फिर देखो सैकेंड कहता पॉइंट आर इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। ठीक है, विच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एन। हूँ एस जिहड़ा हैगा वह एन तो ईस्ट की तरफ हैगा, तो इतने आप एस ड्रॉ करता, एंड आर जिहड़ा हैगा 15 मीटर साउथ ऑफ एस है, आर 15 मीटर साउथ ऑफ एस। पॉइंट डबल्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। हुण पॉइंट डबल्यू जिहड़ा हैगा वह वेस्ट ऑफ आर है, तो दैट मीनस फिर आर जिहड़ा हैगा वे प्रॉपर इत्थे तक थले तक जाएगा, यह हैगा वे आर, और यह पूरी 15 मीटर की हैगी है दूरी, और ताइयो बोल रहा है कि जिहड़ा डबल्यू हैगा वे वह की आएगा इस तो वेस्ट से आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो हम असं अगर दसना है कि वाई आर के रिस्पैक्ट नाल कितने है, तो आर है रहा वाई इतने है, तो आराम मैं दस सकती हूँ कि वो किस डायरेक्शन है, तो मैं फर्स्ट और सैकेंड अगर कंबाइन करा तो मेरा आंसर आ रहा है, तो इतने आंसर ऑप्शन डिक हो जाएगा ए ऑप्शन। हाँ जी, उम्मीद है तुम समझ आ गई होगी। अगला देखते हैं, 6 persons have different ages 20, 25, 30, 35, 48, 56 Who among the following is second youngest person? Second youngest person दसना है, साथ कुछ 6 persons है गेने। That means 5th number ते कौन आएगा, वो दसना है। So on एदे विच देखो तुहानू की दिता है, age of B is a multiple of 5, ठीक है, and only 2 persons are elder to E. E तो सिर्फ 2 persons elder ने, तो मतलब E की इत्थे आ जाएगा 3rd number ते। C is elder to A and younger to E. ठीक है जी, तो दैट मीनस इदा आएगी फॉर्मेशन, तो ई के थले सी और ए ने आना है, और बी का 5 के मल्टीपल्स में कोई एज है, तो वैसे ही साढ़े को बथेरे मल्टीपल्स ने, पहले कले 1 तो मैं दस नहीं सकती। सैकेंड तो देख लें, नॉट मोर दैन 2 persons आर एल्डर टू डी। ठीक है, तो डी तो एल्डर मतलब 2 persons तो ज्यादा एल्डर डी तो नहीं है, तो ये तो सानू पता चल रहा है कि भाई डी तो भी सिर्फ 2 ही persons ज्यादा वड्डे हो सकते हैं, उस तो ज्यादा हो नहीं सकते, तो मतलब अगर डी भी रखना चाहवा तो मैं थर्ड से ही रख सकती हाँ, आप उस तो ज्यादा मतलब होर किसी बंदे नू उस तो वड्डा नहीं कर सकते। सो एज ऑफ एफ इज मोर दैन एज ऑफ बी, एफ जिहड़ा हैगा बी तो ज्यादा वड्डा है। नैक्सट देखो कहिंदा डिफरेंस बिटवीन द एजिज ऑफ एफ एंड बी इज मोर दैन 25 ईयर्स। ठीक है, बी और एफ दे विच जिहड़ा डिफरेंस है मोर दैन 25 ईयर्स है। ई इज जस्ट यंगर टू डी, E जिहड़ा हैगा जस्ट यंगर टू डी है, तो दैट मीनस इदा आएगा, तो दैट मीनस डी जिहड़ा हैगा वे इत्थे हैगा। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने थले क्या सी कि ई दे थले सी और ए आना चाहिए,
फिर एफ ज्यादा आना चाहिए, बी नीचे आना चाहिए, है ना। तो मतलब कोई भी किसी भी नंबर से आ सकता है, तो हले सानू कोई भी मतलब ऐसा दी कोई क्लैरिटी है नहीं है। तो अगर मैं वन और टू नो मिक्स करा तो तामी मेरा आंसर नहीं आता, टू थ्री नो मिक्स करा तामी आंसर नहीं आता, कल्ले थ्री ना मेरा आंसर वैसे भी नहीं आ रहा। तो सॉर्ट ऑफ डाटा इतने की है इनसफिशियंट ही है, मतलब मेरे को एक करेक्ट आंसर नहीं आ रहा कि फिफ्थ ऑप्शन से कौन आएगा। तो इतने आंसर ऑप्शन आप टिक कर देंगे डी। चलो नेक्स्ट, ऑल चेयर आर टेबल, नो टेबल इज अ बॉटल, ओनली अ फ्यू बॉटल आर हुड्स। कंक्लूजन्स, ऑल चेयर बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, सारा चेयर तुहाडा वुड बन जाए तो पॉसिबिलिटी हैगी है। हाँ जी दसो, हैगी है, बिल्कुल हैगी है। तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा, फिर कहना नो चेयर इज बॉटल, कोई भी चेयर बॉटल नहीं है। हाँ जी ठीक बोल रहे हैं, तो सेकेंड भी फॉलो कर रहे थे, बोथ वन एंड टू फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल इरेजर आर बुक, ओनली अ फ्यू पेंसिल आर इरेजर। नो पेंसिल इज पेन, मतलब कोई भी जड़ी पेंसिल है वो पेन नहीं है। सो कंक्लूजन कहता है नो इरेजर इज अ पेन, ठीक है। तो एदा तो हले सानू कुछ और पता नहीं है, तो इतने स्टार लगा दें। ऑल बुक्स बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, सारी बुक्स तुहाडियां की हो जान पेंसिल दे विच मिक्स हो जान। हाँ जी हो सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सैकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। तो 24th का केड़ा आंसर ऑप्शन होएगा, बी ऑप्शन, ओनली टू फॉलोज, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 25th, eight persons are sitting around a circular table in such a way that some of them are facing center while other are facing outside. आठ persons ने circular table के round बैठे ने, positions पहले mark कर लेने हैं, कुछ inward ने कुछ outward face करके बैठे ने। तो देख लेने की कहना है, E sits second to the right of G, B sits third to the left of E, E and B faces opposite directions, immediate neighbors of B face the center and G faces the center. चलो तो देखो इतों मैं हूँ पता चल गया कि जी की है सेंटर फेस कर रहा है, तो मैं सब तो पहले जी बंदा रखांगी, ऑब्वियसली जिदी सानू फेसिंग पता है उन्होंने सेंटर फेस करा के रखांगी। तो उस तो बाद देखो इतने की लिखा सी ई सिक्स सैकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी दे सैकेंड राइट से आप किनू रखता, ई नू रखता, ठीक है। फिर कहता बी सिक्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ ई, ई दे थर्ड लैफ्ट, मतलब एक दो तीन इतने भी आ सकता है, एक दो तीन इतने भी आ सकता है ना। इतने तुहाडे बी आ सकते ने, पहले दो केसेस ने। चलो अगे देख लें, ई एंड बी फेसिज अपोजिट डायरेक्शन, ई और बी आपस में अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब एक इनवर्ड है तो दूजा आउटवर्ड है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिज द सेंटर, और बी के जो दोनों नेबर्स ने वो सेंटर फेस करेंगे। चलो अगे चलते हैं, कहता सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो हूँ दो केसेस है, इन्होंने स्प्लिट ही कर लें तो ज्यादा ईजीली बन जाएगा। हाँ जी इतने जी सी, इतने तुहाडा ई आ गया, तो मैं इतों एक बार बी हटा दिनी हाँ। हाँ जी, तो इन्हें बोलिया सी ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, दैन बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर मैं इतने आउटवर्ड रख दी हाँ तो थर्ड लैफ्ट बी इदा आ जाएगा, इतने अगर मैं ई इनवर्ड रख दी हाँ तो इदा आ जाएगा बी, ठीक है। और फिर उन्होंने ई बी की अपोजिट डायरेक्शन बोलिया सन, तो फर्स्ट केस में ई बार है तो बी अंदर हो जाएगा, सैकेंड केस में ई अंदर है तो बी बार हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्हें बोलिया कि बी के इमीजिएट नेबर्स की कर रहे हैं इनवर्ड फेस कर रहे हैं, तो मतलब जी भी इनवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीनस ए वाला पर्सन भी इनवर्ड फेस कर रहा है, और इतने बी के नेबर्स ए वाला और ए वाला इनवर्ड ही फेस करेगा। फिर उस तो बाद उन्हें क्या सी सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी दे सेकंड राइट ते मैं इतने सी लगाता, और इतने बी दे सेकंड राइट ते मैं इतने सी लगाता। नेक्स्ट कहता है एच सिट्स ऑन इमीजिएट लेफ्ट ऑफ सी, हम एच जड़ा है वे सी दे इमीजिएट लेफ्ट ते आ रहा है, तो
ਤੇ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ h ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਔਰ c ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ c ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ c ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਫੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ h ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ h ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a sits second to the left of d d faces the same direction as b and f but opposite to a and d is not immediate neighbor of g ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ d ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ d ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ d ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ a second left of d ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ d ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ a second left ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ d ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਣੀ ਆ ਤੇ a ਤੁਹਾਡਾ second left ਤੇ ਹਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ ਹੈਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ d ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਰਟ ਫੇਸ ਕਰਾਨੀ ਆ ਤੇ a ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ h sits on immediate left of c ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ a sits second to the left of d ਠੀਕ ਹੈ b faces the same direction as b ਤੇ d ਦੀ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ b ਵਰਗੀ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ f ਵਰਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ f ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ f ਦੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੀ ਤੇ f ਵੀ ਇਨਵਰਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ d ਵੀ ਇਨਵਰਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ a ਤੇ ਮਤਲਬ a ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਊਟਵਰਡ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ d ਇਨਵਰਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ d ਇਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ g ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਕੇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਸਿਟਸ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ h ਹਾਂਜੀ h ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ f ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25th ਦਾ c ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦ ਫੋਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਫ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਐਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ ਐਫ ਗਲਤ ਹੈ ਐਫ ਸਿਟਸ ਥਰਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਈ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਫੇਸਿਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27 ਦਾ ਬੀ A person starts walking from point B in west direction. Let's suppose a point B is west direction mein chalna shuru kita unne and walks 7 meter to reach point A. Then kanda from A he takes right turn and walks 8 kilometers to reach X. Somewhere here from point X he starts walking in 10 meter east to reach D. ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ D 10 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਤੇ ਫਰੋਮ D ਹੀ ਟੇਕਸ ਅ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਐਂਡ ਵਾਕਸ 12 ਮੀਟਰਸ ਟੂ ਰੀਚ Z ਹਾਂਜੀ ਫਰੋਮ Z ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਵਾਕਿੰਗ 3 ਮੀਟਰ ਇਨ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਚ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जेड। तो इतने तुहाडे लई पहले मैं डायग्राम फटाफट बना दिनी हाँ। हाँ जी, तो कहते हैं इन विच डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो बी विद रिस्पेक्ट टू जेड दसना है, तो कितने है बी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए? हाँ जी, तो देख के दसो डी विद रिस्पेक्ट टू ए की आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। चलो नेक्स्ट। इन अ फैमिली ऑफ सेवन पीपल देयर आर टू कपल्स एंड थ्री जनरेशंस, क्यू इज द ग्रैंडचाइल्ड ऑफ जेड, देन जेड इज मैरिड टू ए, के इज द फादर ऑफ क्यू, चलो ए इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है जी, के इज ब्रदर ऑफ डी एंड सी, सी इज अंकल ऑफ क्यू, फिर देर आर फोर फीमेल्स इन दिस फैमिली, सी एंड डी इज अनमैरिड, ठीक है जी, चार फीमेल्स अगेन है इस फैमिली विच, और सी और डी जेड़े अगेन है वो अनमैरिड अगेन है। ए जेड़ा उन्हें बोलिया सी फादर इन लॉ बोलिया सी एफ दा, ते ए फादर हो गया, ते दैट मीन जेड मदर इन लॉ हो गई, और उन्हें चार फीमेल्स बोलिया ने, ते बची हुई डी और क्यू भी की हो जाएंगे ताड़ी फीमेल्स हो जाएंगी। हाँ जी, सो यह बन गया तुहाडा करैक्ट फॉर्मेशन। कहिंदा हाउ इज एफ रिलेटेड टू क्यू, हाँ जी एफ क्यू दी की लग रही है वह दसनी है, तो मदर लग रही है, तो 30th दा आंसर की हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहिंदा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो प्रीवियस आंसर तुसी देख के मतलब टेबल देख के देख सकते हो कि अरेंजमेंट विच डी ए दी की लग रही है, तो 31st दा आंसर हो जाएगा हाँ जी ऑप्शन नंबर डी डॉटर, वेरी गुड, सॉरी हाँ जी, ये जड़ा रिलीजियस वर्ड है, ये जिन्हें भी लेटर्स ने लेफ्ट तो राइट इन्हों अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच अरेंज करना है, ठीक है जी, तो उस तो बाद देखना है कि किन्ने लैटर्स अनचेंज रहते हैं, तो देखो सब तो पहले की आएगा ई, फिर जी, फिर आई, फिर आई, फिर एल, फिर ओ, फिर आर, एस, यू, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो हम देख लेने कि किन्ने अपनी जगह ते ही अगे ने, R और E, E और G, L और I, I और I, तो एक I तो मिल गया, फिर G L, I O, O R, U S, S U, हाँ जी, तो देखो किन्ने वर्ड्स आ गए ने जो सेम डायरेक्शन मतलब सॉरी सेम ही पोजिशन आ गए ने, एको I जड़ा आ गया जी, है ना, तो इस करके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग्स A B C D ईच ऑफ देम इज डिफरेंट वेट, डीज वेट इज मोर दैन ओनली थ्री परसन, एक दो तीन चार पांच, हाँ जी डी का जोड़ा वेट है इज मोर दैन ओनली थ्री परसन, तो सिर्फ तीन परसन तो ज्यादा है डी का वेट, तो डी इतने आ जाएगा, बीज वेट इज मोर दैन ई लैस दैन सी, तो इदा हो जाएगा, ए इज नॉट द लाइटैसट परसन, तो ए इतने नहीं आएगा, सी इज नॉट लाइटर दैन डी, सी जोड़ा है और डी तो लाइट नहीं है, तो दैट मीनस फिर सी इतने चला जाएगा, है ना, तो ए इतने आएगा, फिर बी ई इतने आएगा, ओके, क्योंकि अगे ने बोलिया भी है कि ए इज हैवीअर दैन बी, हू अमंग देम इन द इज द थर्ड हैवीएस्ट, तो थर्ड हैवीएस्ट कौन है, ए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगी डी ए। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट
अविका इज 20th फ्रॉम द राइट एंड, वीर इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर इनिशियल पोजिशंस देन व्हाट इज द पोजिशन ऑफ अविका फ्रॉम द लेफ्ट एंड. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच डाटा मिसिंग लग रहा है, मे बी इतने कोई टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, क्योंकि इंटरचेंज होने के बाद वो एक पर्सन की सानू एक तरफ तो नवी पोजिशन भी दसदा है ना, तो इतने उन्होंने कुछ मिस करता है, मे बी टाइपिंग एरर है. तो इतने तो हले आंसर यही आएगा कि डाटा इनसफिशियंट है ना, आंसर नहीं आ सकता. सो अगर ये सानू दिक्कत रही होगी तो मैं दस रही हूँ कि ये हले आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि सानू डाटा मिस हो रहा वे इतों, सानू मिलिया नहीं है पूरा डाटा. ठीक है जी, चलो 35th देख लेने. इफ इन द नंबर दिस पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब 2 और 7 आपस हो जाएंगे. पोजिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज, मतलब 5 और 6. उस तो बाद कह रहे हैं सो ऑन टिल द पोजिशन ऑफ 9 एंड 10th आर इंटरचेंज, तो दैट मीन्स 0 8 इदा हो जाएगा, 6 3 इदा हो जाएगा, 1 9 इदा हो जाएगा. तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 0, आंसर ऑप्शन सी 0. सो इहदे नाल तुहाडा सारा डिस्कशन खत्म होंदा है. आई होप तुहानू मॉक टेस्ट 5 दे सारे रीजनिंग दे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एंड उम्मीद करती हां कि क्वेश्चन काफी सही भी रहे होंगे. ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट विच, प्रैक्टिस करते रहो, साडे नाल जुड़े रहो, टेक केयर, बाय बाय जी.